हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टून क्लैश। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील टाइप पोकेमॉन के बारे में। स्टील टाइप पोकेमॉन को बहुत से पोकेमॉन के खिलाफ एडवांटेज मिलता है, जिसमें ड्रैगन और आइस टाइप पोकेमॉन भी शामिल है। और स्टील टाइप पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे रेजिस्टेंट टाइप है और इन सभी पोकेमॉन का एनिमे में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। और स्टील टाइप पोकेमॉन की बैटलिंग स्टाइल और उनकी एबिलिटीज बाकी के पोकेमॉन से काफी अलग होती है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील टाइप पोकेमॉन को रैंक किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सीजोर। सीजोर एक बग और स्टील टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 से और ये की वॉल्ट फॉर्म है साइथर का। सीजोर के बेस स्टैट्स 500 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी फिजिकल अटैक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जो इस बात को दर्शाती है कि सीजोर बेसिकली एक फिजिकल अटैकर है। सीजोर मेगा एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीजोर की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये एक बहुत ही खूंखार पोकेमॉन बन जाता है। सीजोर ने एनिमे में कई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट किया और इसके पास कई सारे पावरफुल अटैक्स है, जैसे कि ब्रूटल स्विंग, हाइपर बीम, गीगा इंपैक्ट, मेटल क्लॉ, टेल विंड, ऐसे कई सारे मूव्स। और टेल विंड के जरिए ये अपनी स्पीड को 3 टर्न तक डबल कर सकता है। नंबर 9, स्टीलिक्स। स्टीलिक्स एक स्टील और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 से और ये की वॉल्ट फॉर्म है ऑनिक्स का। स्टीलिक्स के बेस स्टैट्स 510 है और इसके बेस स्टैट में इसकी फिजिकल डिफेंस स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो इस बात को दर्शाती है कि स्टीलिक्स फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टीलिक्स ने एनिमे में कई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट किए और स्टीलिक्स मेगा एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्टीलिक्स की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके एट्रीब्यूट्स में भी काफी इंप्रेसिव चेंजेस आ जाते हैं। स्टीलिक्स के पास कई सारे पावरफुल मूव्स जैसे कि रॉक थ्रो, अर्थक्वेक, गीगा इंपैक्ट, हाइपर बीम, गायरो बॉल, आयरन टेल, फ्लैश कैनन, ऐसे कई सारे मूव्स। नंबर 8, लुकारियो। लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है लुकारियो इन द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में। लुकारियो की वॉल्ड फॉर्म है रायोलू का। लुकारियो की बेस स्टैट्स 525 है और इसके बेस स्टैट में इसकी दोनों ही अटैक स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो इस बात को दर्शाती है कि लुकारियो बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है। और लुकारियो के पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जिसमें ऑरा स्फीयर जैसे मूव्स भी शामिल हैं। और लुकारियो की ट्रू पावर हमने लुकारियो इन द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में देखी है और उस मूवी में लुकारियो ने लेजेंडरी टाइटंस का अकेले सामना किया है और इसी वजह से लुकारियो नंबर 8 पर है। नंबर 7, इजस्लैश। इजस्लैश एक स्टील और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से, जो एक इवॉल्व फॉर्म है डबलेट का और ये हॉर्नेज का फाइनल एवोल्यूशन है। इजस्लैश के दो फॉर्म्स हैं, ऑफेंसिव फॉर्म और डिफेंसिव फॉर्म। अपने ऑफेंसिव फॉर्म में इसके बेस स्टैट में इसकी अटैक स्टैट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि लेजेंडरीज के बराबर है। और अपने डिफेंस फॉर्म में इसकी डिफेंस स्टैट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और डिफेंस फॉर्म में इजस्लैश पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिफेंसिव पोकेमॉन है डीऑक्सिस के बाद स्टैट्स के मामले में। और इन दोनों फॉर्म्स की कॉम्बिनेशन के कारण इजस्लैश इस लिस्ट में नंबर 7th पर है। नंबर 6, रेजिस्टील। रेजिस्टील एक प्योर स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है लुकारियो इन द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में। उस मूवी में रेजिस्टील की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और रेजिस्टील के बेस स्टैट्स 580 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी दोनों ही डिफेंस स्टैट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और रेजिस्टील एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है और इसी कारण इसे कुल मिला के 11 टाइप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलती है। और रेजिस्टील की रेजिस्टेंस पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से रेजिस्टील इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, एग्रॉन। एग्रॉन एक स्टील और रॉक टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जो एक इवॉल्व फॉर्म है लैरियन का और ये एग्रॉन का फाइनल एवोल्यूशन है। एग्रॉन के बेस स्टैट्स 530 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी फिजिकल अटैक और फिजिकल डिफेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एग्रॉन बेसिकली एक फिजिकल अटैकर है और ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एग्रॉन मेगा एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एग्रॉन की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एग्रॉन के पास रॉक हेड की भी एबिलिटी है, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल स्टील टाइप पोकेमॉन बना देती है। और अपनी इन्हीं सब पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से एग्रॉन नंबर 5 पर है। नंबर 4, मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस एक स्टील और साइकिक टाइप सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जो एक इवॉल्व फॉर्म है मेटैंग का और ये बेल्डम का फाइनल एवोल्यूशन है। मेटाग्रॉस चाहे तो मेगा एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेटाग्रॉस की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेटाग्रॉस के बेस स्टैट 600 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी फिजिकल अटैक और फिजिकल डिफेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मेटाग्रॉस के पास साइकिक पावर की एबिलिटी है और वो उसे काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। और इसके पास कई सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि हाइपर बीम, फ्लैश कैनन, हैमर आर्म, गीगा इंपैक्ट, ऐसे कई सारे मूव्स। नंबर 3, सोलगालियो। सोलगालियो एक स्टील और साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 7 से,
जो एक इवॉल्व फॉर्म है कॉस्मियम का, और ये कॉस्मोक का फाइनल एवोल्यूशन है। सोलगालियो चाहे तो पूरे के पूरे सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये अल्ट्रा वार्म होल को क्रिएट भी कर सकता है। सोलगालियो के बेस स्टैट 680 हैं, जिसमें इसकी फिजिकल अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। सोलगालियो के पास कई सारे पावरफुल मूव है, पर सोलगालियो का सबसे पावरफुल मूव है उसका सिग्नेचर मूव सन स्टील स्ट्राइक। और एक प्लस पॉइंट ये है कि सोलगालियो का सन स्टील स्ट्राइक पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील टाइप अटैक है। नंबर 2, डस्कमेन नेक्रोज्मा। डस्कमेन नेक्रोज्मा एक स्टील और साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। जब नेक्रोज्मा सोलगालियो के साथ फ्यूज होकर उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है, तब नेक्रोज्मा डस्कमेन नेक्रोज्मा में इवॉल्व हो जाता है। और डस्कमेन नेक्रोज्मा में इवॉल्व होने के बाद नेक्रोज्मा की पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसके एट्रीब्यूट्स में भी काफ़ी इंप्रेसिव चेंजेस आ जाते हैं। और डस्कमेन नेक्रोज्मा के बेस स्टैट 680 हैं, और इसके बेस स्टैट में इसकी फिजिकल अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और डस्कमेन नेक्रोज्मा के पास दो सिग्नेचर मूव हैं, पहला है फोटोन गीजर और दूसरा है प्रिज्मेटिक लेजर। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से डस्कमेन नेक्रोज्मा नंबर 2 पर है। और नंबर 1, डियाल्गा। डियाल्गा एक स्टील और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है द राइज ऑफ डार्क्राई मूवी में, और दूसरा अपीयरेंस आर्सिस एंड द जूल ऑफ लाइफ मूवी में, और तीसरा अपीयरेंस हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। और इन तीनों मूवी में डियाल्गा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डियाल्गा के बेस स्टैट 680 हैं, और इसके बेस स्टैट में इसकी स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और डियाल्गा एक अल्टीमेट पोकेमॉन की गिनती में भी आता है, क्योंकि इसकी पावर्स में टाइम के आर पार जाना भी शामिल है, ये टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और डियाल्गा का सबसे पावरफुल मूव है उसका सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।